आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोगों ने भी किसी भी NBFC एप्लीकेशन जैसे किस्त, नाबी, एम पॉकेट, पॉकेटली, किसी भी तरह के लोन ले, अनसिक्योर लोन ले रखा है किसी भी ऐप से, तो आप लोगों को यहाँ पे तो सबसे पहले डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे रिकवरी एजेंट की क्या सच्चाई है, सारी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और रिकवरी एजेंट कब आते हैं आपके घर और क्या क्या होता है आपके साथ, ये पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे इस चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहाँ पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आप लोग को हेल्प करने में ज्यादा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है और पावर एनर्जी मिल जाता है, जिससे आप लोग का जितना भी प्रॉब्लम हो वो जल्द से जल्द सॉल्व कर पाए। अगर आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आके या टेलीग्राम हमारे चैनल है वहां आकर के बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा हमेशा खुला रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इन NBFC एप्लीकेशन से आप लोग कितना दिन बाद अगर रिपेमेंट नहीं करते हैं तो रिकवरी एजेंट आते हैं। तो अगर आप लोग इनका मान लीजिए एक अमाउंट होता है, अगर मान लीजिए ज्यादा अमाउंट है, 1 लाख 1.5 लाख है आपका अमाउंट और पहला ही EMI आप लोग चूक जाते हैं देना, तो आपके 1 महीना बाद ये लोग रिकवरी एजेंट भेजना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वहीं आपका 2,000, 3,000 या 5,000 या 30,000 के अंदर है और पहला ही EMI आप लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं, मान लीजिए पहला ही EMI डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो इन केस में भी आपको 2 महीने के अंदर रिकवरी एजेंट आ जाते हैं। और अदरवाइज मान लीजिए कि आप लोगों ने 1 EMI या 2 EMI या 3 EMI दिए रखा है, उसके बाद आप लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो आपको 3 महीना या 4 महीना जब डिफॉल्ट करते हैं उसके 3 महीना बाद या 2 महीना बाद ये लोग रिकवरी एजेंट भेजना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे रिकवरी एजेंट को लेकर ये क्या सच्चाई है वो मैं बता देता हूँ। RBI साफ साफ मना करती है रिकवरी एजेंट भेजने के लिए, पर ये सब NBFC एप्लीकेशन बहुत आप लोग ध्यान रहे इलीगल तरह से आप लोग के ऊपर एक्शन लेती है और आप लोग को हरास करके आप लोग से पेमेंट लेने का ये लोग का नया ट्रिक है, इलीगल ट्रिक है, तो ये लोग आप लोग को रिकवरी एजेंट भेजते हैं। तो रिकवरी एजेंट आपके घर जब भी आए तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी रिकवरी एजेंट कॉल करे, आप लोग को सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं आप लोग किस तरह बन करके कॉल कर सकते हैं हम बता देता हूँ। सबसे पहले तो रिकवरी एजेंट बन के कॉल कर सकते हैं, रिकवरी एजेंट बन करके आपके घर पे आएंगे, आप लोग को सीधा उनसे दो आपको सवाल पूछना है। सबसे पहले आप लोग को उनको पहले अपना रीजन बता देना है क्योंकि आप डिफॉल्ट किए हैं, अदरवाइज आप लोग को उससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है। अगर उसके बाद भी वो लोग आपसे मतलब अच्छे तरीके से बात ना करें और वो लोग वहां से जाए ना, तो आप लोग को ये दो चीज मांगना है। सबसे पहले आपको उनसे मांगना है उनका ये ऑथराइज लेटर और ID कार्ड कंपनी का, किस कंपनी से आप आए हैं उसका ID कार्ड दिखाइए और आप अपने ऑथराइज लेटर दिखाइए कि आप लोग के ऑथोरिटी मिला हुआ है कि आप लोग लोन रिकवर कर सकते हैं हमारे घर आकर के। तो ये आप उनसे दो चीज मांगिएगा, दो चीज वो देने में असक्षम होंगे, उसके बाद आप लोग को सिंपली बोलना है आप लोग जाइए भैया, आप लोग का यहाँ पे कोई काम नहीं होने वाला है, आपका यहाँ पे कोई लोन रिकवरी होने वाला है नहीं, आप लोग यहाँ से चले जाइए वरना मैं आपके ऊपर केस वगैरह ठोक दूंगा, तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि RBI साफ साफ कहती है रिकवरी एजेंट भेजना इलीगल है। तो आप लोग शांति से चले जाइए वरना आपके ऊपर केस वगैरह मैंने ठोक दिया तो आपकी लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी। मेरी तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रिपेमेंट देने से उनको टेंशन है और आप लोग आ जाइएगा तो और टेंशन हो जाएगा उनको और साथ में साथ आपको भी टेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इन लोग से ज्यादा बात बात नहीं करना है। अब ये जब आप लोग मान लीजिए एक बार ये लोग चले गए उसके बाद नहीं आते हैं, उसके बाद आपको क्या मन के कॉल करेंगे रिकवरी एजेंट, ये जो लोग जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो कभी आपको पुलिस थाना से बन करके कॉल करेंगे, कभी आपको एडवोकेट बन के करेंगे, कभी कभी ये लोग हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं, ये जज बन करके भी कॉल कर देंगे। अगर इस प्रकार के किसी भी कॉल आए आपको तो आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, ये फर्जी ही होते हैं, कोई भी रिकवरी कोई भी आपको जज वगैरह नहीं होता, एडवोकेट पुलिस कोई नहीं होते, ये सिर्फ एक रिकवरी एजेंट होते हैं जो कि सिर्फ रिकवर करना चाहते हैं लोन अमाउंट। तो इस सब को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से बात की रिकवरी एजेंट की क्या सच्चाई थी, कैसे उसको हटाना है, कैसे भगाना है, क्या करना है। तो आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लोन रिगार्डिंग को लेकर के। अगर आप लोग को भी कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं या टेलीग्राम पे आकर के बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते इस वीडियो में, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।